अब यहाँ पे हेडिंग डाल दो जीएसटी इन केस ऑफ ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। फुल फॉर्म लिख लेना अपने पास, क्योंकि अभी क्लास का टाइम कम बचा है और मेरी कोशिश है कि अभी मैं तुम्हें ट्रेड डिस्काउंट वाली एंट्रीज भी करा दूं, कैश डिस्काउंट वाली भी करा दूं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है और मैं बिल्कुल बेसिक और सिंपल तरीके से कराना चाहता हूँ। पहले एक दो एंट्रीज ट्रेड डिस्काउंट की कर लेंगे, फिर कंबाइंड करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखोगे, जीएसटी इज चार्ज्ड ऑन सेल्स वैल्यू। ऑब्वियसली जो बिल बना रहा है वो जो सेल कर रहा है वही बिल बना रहा है, तो वही चार्ज करेगा। तो यहाँ पे मैं इसलिए सेल जो कर रहा है उसके हिसाब से कैलकुलेशंस करके दिखा रहा हूँ, और परचेज के हिसाब से भी हम सेम कैलकुलेट कर लेंगे, एग्जैक्टली सेम होएगा। जीएसटी इज चार्ज ऑन सेल्स वैल्यू। अब ध्यान करो, सेल्स वैल्यू का मतलब क्या हुआ, आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट हुआ ना, और साथ में एक चीज और लिखो, इससे पहले मैं इसको मिटा के एक चीज लिखना चाह रहा हूँ, पहले वो लिख देता हूँ फिर लिखते हैं। परचेस प्लस प्रॉफिट, उसने लगा दिया इसको लिस्ट प्राइस, फिर लिस्ट प्राइस में से लेस करेगा ट्रेड डिस्काउंट, फिर उसकी आएगी सेल्स प्राइस। तो इस सेल्स प्राइस पे जीएसटी की कैलकुलेशन होगी। इसको एग्जैक्टली ऐसे ही नोट कर लो। अच्छा, ये जो मैंने यहाँ पे फॉर्मूलाज लिखे ना, परचेज प्लस प्रॉफिट इज इक्वल लिस्ट प्राइस, ये एक एक लाइन में आ जाए तो ज्यादा बेटर है। जैसे ये वाला आया हुआ है तो इस ऊपर वाले को भी ऐसे एक लाइन में आ जाए, और फिर सेल्स प्राइस के ऊपर जीएसटी इज कैलकुलेटेड ऑन सेल्स प्राइस। सेल्स प्राइस ध्यान है ना तुम लोगों को, कैसे हम एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, सबसे पहले परचेज करा होता है उस पर प्रॉफिट लगाते हैं, लिस्ट प्राइस आ जाता है, फिर उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके उसके बाद रिकॉर्डिंग चालू करते हैं, मतलब बुक्स के अंदर सेल्स वैल्यू के ऊपर, और सेल्स वैल्यू पे ही कैलकुलेट होता है। और हमारी गवर्नमेंट क्या बोलती है, जीएसटी को लगाओ सेल्स वैल्यू पे। तो सेल्स वैल्यू क्या हुआ, आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट से पहले की सारी मैंने कैलकुलेशन लिख दी, दैट इज आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट से पहले प्रॉफिट वाला सिनेरियो भी कवर हो जाता है। अब इसका एक एग्जांपल देता हूँ, जर्नल एंट्री पास करेंगे, फिर उसके बाद सेम एंट्री को परचेज से तुम लोग करना, और साथ में कैश डिस्काउंट लगाएंगे, कैसे करेंगे, बिल्कुल बेसिक है। ये नोट्स की जगह छोड़ देना, एक पेज पूरा इस पे छोड़ देना जिसके अंदर ये भी लिखना है। अभी कैश डिस्काउंट के अंदर भी मैं पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक फॉर्मेट लिख के दिखाने वाला हूँ, इसलिए एक पेज छोड़ देना इसके लिए। नेक्स्ट पेज पे लिखोगे ये एग्जाम्पल, क्योंकि एक पेज में मैं चाहता हूँ तुम्हारे पास समरी सारी एक साथ बन जाए। मिस्टर एक्स सोल्ड गुड्स फॉर कैश। मैं इसके अंदर ना जीएसटी में सिर्फ आईजीएसटी लगा रहा हूँ, क्योंकि अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस या जितनी इलस्ट्रेशन करी है, जो भी क्वेश्चन करे उसमें सीजीएसटी एसजीएसटी आया, आईजीएसटी आया नहीं, तो इसके अंदर आईजीएसटी लगाते हैं। गुड्स फॉर कैश विच ही बॉट फॉर ₹8,000, इतने का उसने खरीदा। ही एडेड, एकदम बेसिक करके चल रहे हैं, प्रॉफिट ऑफ 2000 एंड अलाउड ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%, इतना लिखते हैं। और यहाँ ब्रैकेट्स में लिख रहा हूं आईजीएसटी एप्लीकेबल एट द रेट, इसको मैं सिंपल कर देता हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए, 10% ही कर देते, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, फटाफट हो जाएगा तुमसे। इसकी पहले यहाँ पे मैं वर्किंग नोट बनाना चाहता हूँ, फिर जर्नल एंट्री पास करेंगे। वर्किंग नोट किसके लिए, कैलकुलेशन ऑफ सेल्स वैल्यू, फिर उस पर जीएसटी कैलकुलेट करेंगे, फिर उसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो अभी हमारे पास कॉस्ट कितना है, कॉस्ट प्राइस 8,000, कोई भी डाउट होगा पूछ लेना, मेरे को चैट दिखाई नहीं दे रहा तो माइक पे ही पूछना। कॉस्ट प्राइस हो गया 8,000, इस पे मैं ऐड करूंगा प्रॉफिट। प्रॉफिट का ना कई बार परसेंटेज दिया होता है, बट यहाँ पे मैंने इजी करके आपको अमाउंट दे दिया था, क्योंकि पहला पहला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो लिस्ट प्राइस हो जाएगा मेरे पास 10,000। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, या आगे चले, बिल्कुल बेसिक था, अभी कुछ भी नहीं करा, जितने का सामान लिया उस पर प्रॉफिट ऐड करा और लिस्ट प्राइस निकाली है। अब इसमें से अलाउ करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%। 10% किसना, किसका, लिस्ट प्राइस का। तो ब्रैकेट में मैं इसकी कैलकुलेशन भी लिख देता हूँ, 10,000 इंटू 10%, जो कि आएगा हमारे पास 1,000। अब यहाँ पे आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट आएगी हमारे पास सेल्स वैल्यू। सेल्स वैल्यू कितनी है, 9,000 की। इस पे 10% लगाना है हमें क्या, आईजीएसटी, तो 900 रुपीज सिंपल करके लग जाएगा। वैसे हमारे पास रेट्स क्या आते हैं जीएसटी के, 12%, 18%
और इनका आधा आधा भी करना पड़ेगा ना, 6 और ये, और साथ में 5%, ये सब रेट्स हमारे पर कॉमनली ज्यादा यूज होंगे। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है या अब इसको मैं करके दिखाऊं, जल्दी बताओ, जर्नल एंट्री पास करें इसकी। देखो ये सारा काम तो अभी चल रहा था बिल के अंदर, हमें जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करना होता है यहाँ से सेल्स वैल्यू से, तो सिर्फ सेल्स वैल्यू से रिकॉर्ड करेंगे, जो मैंने ऊपर वाला ब्रैकेट लगाया उसको कुछ रिकॉर्ड नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन के लिए। तो अब जर्नल एंट्री पास करते हैं इसकी, फॉर्मेट में जाके करता हूँ मैं, 9000 पे 10% IGST लगाना है। यहाँ पे डेट है नहीं मेरे पास, कुछ मैंने डाली नहीं, तो सीधा जर्नल एंट्री पास करते हैं। कैश अकाउंट डेबिट, कैश में बेचा ना, टू आउटपुट, अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ IGST आएगा, आउटपुट IGST अकाउंट, क्योंकि CGST SG है नहीं, CGST SGST है नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक ही वाला GST IGST, टू सेल्स। अमाउंट सबसे पहले लिखना है, 9000 की सेल्स वैल्यू थी, फिर उस पर GST लिखना है और टोटल करके लिख देना है कैश में 99। चलो ये तो हमारे पास एक हो गया, इसके बाद इसी एग्जाम्पल के अंदर ना मॉडिफिकेशन करते हैं, कैश डिस्काउंट डालते हैं। अब यहाँ पे ना ब्लैक पेन से मैं मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ, एंड अलाउड कैश डिस्काउंट ऑफ 2%, तो 9900 का 2% कितना हो गया, 198 रुपीज। तो कैश डिस्काउंट कैसे अलाउ करेंगे वो देखते हैं। देखो यहाँ तक तो कैलकुलेशन सेम होगी, ये वाली, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। कैश डिस्काउंट अलाउ करेगा तो GST की वैल्यू के बाद जो पैसे रिसीव करने हैं उस पे कैश डिस्काउंट अलाउ होएगा, तो क्या एंट्री बनेगी, यहाँ पे करके दिखाता हूँ मैं। सेल्स वैल्यू तक तो सेम रहेगी, इसमें हम फिर करेंगे एड IGST जो कि हमारे पास 10% है, और टोटल, सॉरी यहाँ पे 900 लिखना था, टोटल में 9900, टोटल अमाउंट टू बी रिसीव कितना हो गया, 9900। अब इस 9900 में से हमें माइनस करना है कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट एट द रेट 2%, 198 रुपीज, ये माइनस कर लेंगे, जो बचा हुआ पैसा है वो रिसीव कर लेंगे, तो कितना आएगा ये लिखता हूं मैं, 7902 रुपीज आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा अमाउंट, अमाउंट छोड़ो कैश रिसीव लिख दो उसको, कैश रिसीव। अब देखो कैसे रिकॉर्ड करेंगे, अब मैं रेड पेन से लिख रहा हूं कि क्या क्या जगह हमने क्या क्या चीजें रिकॉर्ड करने। देखो सेल्स वैल्यू तो हमारे पास 9000 ही रहेगा, और जीएसटी के अंदर हमने कोई डिस्काउंट नहीं देना, जो कैश डिस्काउंट दिया है ना वो सिर्फ और सिर्फ कैश से देंगे, तो कैश हमें मिलेगा 9702 का, और इस कैश डिस्काउंट को हम लोगों ने करना है डेबिट, क्योंकि हमने दिया है ये एक्सपेंस है, IGST आउटपुट वाला है, तो उसको करेंगे क्रेडिट, सेल को करेंगे क्रेडिट, कैश को करेंगे डेबिट। अभी जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं, यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी से पूछ लो, इसको ऐसे ही नोट कर लो, इसके आगे सेल्स लिख लो, इसके आगे IGST क्रेडिट, इसके आगे कैश डिस्काउंट डेबिट और कैश डेबिट, ये सारी चीजें रिकॉर्ड करनी है। बट कैलकुलेशन देखो कहां से हो रही है, एक ही ट्रांजेक्शन है ये वाली, और इसकी कैलकुलेशन देखो कहां से चल रही है और कहां तक जाके खत्म हो रही है, तो कैलकुलेशन पूरी बनानी पड़ेगी हमें एज अ वर्किंग नोट, और वर्किंग नोट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अ सॉल्यूशन, मतलब तुम जर्नल एंट्रीज का पहले फॉर्मेट बनाओगे ऐसे करके लंबा सा, तुम्हें लग रहा होगा जैसे 10 एंट्री है, तुम्हारे हिसाब से 2 पेज बनानी चाहिए, 2 पेज का फॉर्मेट बना के ये यहाँ पे खत्म हुआ ना, तो यहाँ पे तुमने वर्किंग नोट बनाना है, वर्किंग नोट लिखना है और यहाँ पे लगा देना है एंट्री नंबर, फॉर एग्जाम्पल 10 एंट्री में से 4th एंट्री है, एंट्री नंबर 4 की जर्नल वर्किंग नोट है कैलकुलेशन ऑफ सेल्स प्राइस, ऐसे करके लिख के करना है, और ये कैलकुलेशन पूरी ऐसे लगेगी, ये तुम्हारे पास आने वाले हैं क्वेश्चंस ऐसे इतने लंबे लंबे कैलकुलेशन वाले। कैलकुलेशन पूरी एक बार में दिखा देता हूँ, ये लो तुम्हारी स्क्रीन पे है, नोट करना है नोट करो, स्क्रीनशॉट लेके रखना है रखो, पर अभी जरूरी है समझना, समझने में कोई दिक्कत है तो पूछ लो, नहीं तो मैं जर्नल एंट्री पास कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ रेड पेन वाली, जो मैंने रेड पेन से मार्क्स लगाए हैं बस वो वाली जर्नल एंट्री पास करूंगा, और पहले वाली जर्नल एंट्री जो मैं ब्लैक पेन से कर चुका हूँ ये वाली, इसको और जो नेक्स्ट वाली जर्नल एंट्री है इसको कंपेयर करके भी देखेंगे कि क्या फर्क आया। अब देखो अब जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे, यहाँ पे मैं ब्लू पेन से करता हूँ दूसरी वाली, कैश हमें मिलेगा आफ्टर डिस्काउंट, कैश अकाउंट डेबिट, और एक चीज हमें और क्या करनी है, कैश डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, और बाकी चीजें सेम आएंगी, टू आउटपुट IGST अकाउंट टू सेल्स,
देखो ये दोनों चीजें तो सेम रहेंगी, और ये जो ब्लैक पेन से मैंने मार्क करा है इसके अंदर फर्क आएगा। 9,000 की सेल्स हुई है, 900 का जीएसटी है। देखो जो गवर्नमेंट को मैंने पैसे देने हैं ना 900 रुपए, उससे मैं कभी भी डिस्काउंट नहीं दे सकता। गवर्नमेंट के लिए तुमने डिस्काउंट देना है, तुम दो, मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरे 900 रुपए आने चाहिए। तो लाइबिलिटी मैं 900 से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और यहाँ पे 198 रुपीज कैश डिस्काउंट, बचे हुए पैसे कितने थे 9702, वो मिल जाएंगे। जो नुकसान हुआ मेरा, इसलिए कैश डिस्काउंट अकाउंट डेबिट एक्सपेंस मेरा, गवर्नमेंट को मैं 900 रुपए की लाइबिलिटी जमा करा दूंगा। 900 रुपए जीएसटी के अमाउंट के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, गवर्नमेंट ने बस एक जगह एग्जम्पशन दे दी। आपने ट्रेड डिस्काउंट देना दे दो, उसके बाद कैलकुलेशन कर लो, कोई बात नहीं। बट कैश डिस्काउंट आपका नुकसान, मुझे कोई मतलब नहीं उससे, आपका नुकसान हो, मेरे को मेरे 900 रुपए पूरे चाहिए। दोनों की जर्नल एंट्री भी कंपेयर करके देख लो, कैश डिस्काउंट और बिना कैश डिस्काउंट के सेम ट्रांजेक्शन की जर्नल एंट्री कैसे चेंज हो जाएगी। अभी मेरे को इसका पूरा कॉन्सेप्ट लिखवाना है, फिर ऐसे क्वेश्चंस कराने हैं, जैसे यहाँ पे लिखी थी ना थ्योरी ये वाली, वैसे इसके नीचे जगह बोला था ना छोड़ने के लिए, तो अब कैश डिस्काउंट का वहां लिख देते हैं। कैश डिस्काउंट इज अलाउड फ्रॉम द अमाउंट रिसीवेबल, दैट इज कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ये आ जाएगा हमारे पास लिस्ट प्राइस, इसमें से हमें क्या करना है, फिर लेस करना है ट्रेड डिस्काउंट, फिर ऐड करना है जीएसटी, और फिर उसके बाद यहाँ पे हम पेबल निकालेंगे अमाउंट रिसीवेबल, इसमें से लेस करेंगे कैश डिस्काउंट, और फाइनल आ जाएगा अमाउंट रिसीव्ड या कैश रिसीव्ड। अमाउंट रिसीवेबल तो बनाना है, बट कैश रिसीव्ड हमने रिकॉर्ड करना है, तो ये कैलकुलेशन लगेगी। थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन इसके ऊपर और लिख लेते हैं। कैश डिस्काउंट इज एक्सपेंस ऑफ बिजनेस, जो बिजनेस कर रहा है उसका एक्सपेंस, हेंस नो चेंजेस या नो इफेक्ट टू आउटपुट जीएसटी अमाउंट पेबल टू गवर्नमेंट। इतना लिखो। अब ना एक पूरा ये कैलकुलेशन का एक ना फॉर्मेट बनाते हैं, ये वाला पूरा ऊपर से लेके नीचे तक सारी कैलकुलेशन उसके अंदर लिखेंगे, और राइट साइड पे ऐसे रेड पेन से मार्क कर देंगे या किसी और कलर के पेन से मार्क करना कि जर्नल एंट्री कैसे रिकॉर्ड करनी है। इतना नोट कर लो पहले। अब यहाँ पे मैं ब्लैक पेन से बना रहा हूँ कैलकुलेशन, ये उसी एक पेज के अंदर आ जाना चाहिए, ज्यादा लिखने के लिए नहीं था। यहाँ पे सबसे पहले लिखोगे कॉस्ट, जो भी अमाउंट होगा इधर होगा, प्लस प्रॉफिट, फिर हमारे पास आ जाएगा लिस्ट प्राइस। यहाँ पे आ जाएगा लिस्ट प्राइस, डबल लाइन का मतलब एक बारी टोटल हो गया इन दोनों का। फिर इधर से हम लोग लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, और इधर ना आगे यहाँ पे माइनस कर देते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ लिख देते हैं, परसेंटेज ऑन लिस्ट प्राइस, मतलब लिस्ट प्राइस के ऊपर परसेंटेज कैलकुलेट होएगा। फिर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे सेल्स वैल्यू। अब यहां से हमने जर्नल एंट्री के अंदर एंट्रीज रिकॉर्ड करना स्टार्ट करना है, इसको लिखेंगे आगे सेल्स, कि सेल्स का प्राइस कितना है, तो सेल्स वैल्यू मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी। सेल्स जो रेड पेन से मार्क कर रहा हूँ ना, वो हमें जर्नल एंट्री में करना है, ये सेल रिकॉर्ड करना है। इसके बाद मैं ऐड करूंगा क्या, जीएसटी का अमाउंट, जितने भी टाइप का जैसे अब जीएसटी होएगा वो ऐड करूंगा, और जीएसटी इज कैलकुलेटेड एज परसेंटेज ऑन सेल्स, ऐसे यहाँ से एरो लगा लो, इसके ऊपर कैलकुलेशन होगी। और यहाँ पे हमारे पास आएगा अमाउंट रिसीवेबल, यहाँ पे कैलकुलेशन आ जाएगी। अब या तो ये हमें कैश में मिल जाएगा, या इतने अमाउंट से हम लोग रिकॉर्ड करेंगे डेटर, और अभी तक कैश डिस्काउंट हमारे पास कैलकुलेशन में आया नहीं तो नहीं रिकॉर्ड करेंगे, और इतने अकाउंट से बनाएंगे आउटपुट जीएसटी। अभी तक कैश डिस्काउंट में कैलकुलेशन के अंदर लेके आया नहीं, ये कैलकुलेशन आपको मैंने बना के दिखाई है। इसके बाद इंट्रोड्यूस करते कैश डिस्काउंट, मैं ग्रीन पेन से यूज कर लेता हूँ क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस तुम लोगों को दिख जाए। तुम्हारे पास भी दूसरे कलर का पेन है तो दूसरे कलर का पेन यूज कर लेना यहाँ पे। इसमें से माइनस करेंगे कैश डिस्काउंट, अब ये परसेंटेज यहाँ पे ब्लू पेन से लिखते हैं परसेंटेज ऑन अमाउंट रिसीवेबल, इसके ऊपर कैलकुलेट होएगा अगर परसेंटेज गिवन है। और प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होएगा, प्रॉफिट के अलग अलग तरीके होते हैं कैलकुलेट करने के, धीरे धीरे क्वेश्चंस में आ जाएंगे, तो वो एक कैलकुलेशन रहती है अभी, तो उसको कर लेंगे आराम से, धीरे धीरे क्वेश्चन को आने दो, वो कर लेंगे। फिर हमारे पास आएगा यहाँ पे कैश रिसीव्ड। अब देखो जब कैश डिस्काउंट दे दिया
तो यहाँ पे कैश रिसीव आएगा। अब डेटर रिकॉर्ड करने का मतलब नहीं है क्योंकि कैश पेमेंट पे तो कैश रिसीव हो गया ना, तो इसको एज अ एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे, कैश डिस्काउंट को, सॉरी ऊपर लिखना था एक्सपेंस, और ये यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे कैश रिसीव, ये एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे, इसको डेबिट करेंगे, इसको डेबिट करेंगे। तो अभी चलते हैं एंट्री नंबर 2, परचेज गुड्स फ्रॉम विजय। विजय से हमने परचेज करा, अभी हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि कैश पे करा नहीं करा, अगर नहीं पे करा तो विजय डेटर बनेगा। 40,000 प्लस IGST 18,000, इधर सिर्फ एक ही GST है एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो ये 40,000 क्या हो गया, लिस्ट प्राइस हो गया। इसमें से पहले 10% माइनस करोगे, यहाँ पे 1 लिख देते हैं, फिर सेकेंड नंबर पे GST लगाओगे, उसके बाद क्या इन्फॉर्मेशन है, 3% कैश डिस्काउंट, फिर जो टोटल अमाउंट आएगा उसमें से कैश डिस्काउंट माइनस करोगे। अच्छा इधर क्या लिखा है, हाफ ऑफ द अमाउंट इज पेड एट द टाइम ऑफ परचेज, इसका मतलब आधी अमाउंट का हमें क्रेडिटर बनाना है विजय को, क्योंकि हमने परचेज करा है उधार पे तो क्रेडिटर बनाएंगे, और आधी का, हाफ का हमने कैश पेमेंट कर दी, तो कैश डिस्काउंट उसी पर लगेगा जो पेमेंट हो चुकी है। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, इसकी पहले वर्किंग बनाएंगे फिर इसकी जर्नल एंट्री पास करते हैं। वर्किंग में फॉर्मेट के बीच में बना रहा हूँ कि मैंने काफी लंबा सा फॉर्मेट बना के छोड़ा हुआ है, इसलिए इसी के बीच में मैं वर्किंग करते जाता हूँ। सबसे पहले लिखना है यहाँ पे लिस्ट प्राइस कितने का था हमारे पास, 40,000, उसमें से हम लोग लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट 10%, 10% किसका, लिस्ट प्राइस का, तो 4,000 हम लोग लेस कर देंगे, हमारी परचेज कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 36,000। तो परचेज कॉस्ट तुम्हें पता है कि ये परचेज के आगे लिखी जाएगी, इसमें से और कुछ लेस नहीं होएगा, तो साथ साथ मैं जर्नल एंट्री भी पास करता हूँ जगह छोड़ के। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, परचेज अकाउंट डेबिट 36,000, ये वाली अमाउंट तो फाइनल हो गई हमारे पास। आगे चलते हैं, आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इस पे लगेगा 18% GST, तो ट्रेड डिस्काउंट के बाद सीधा हम लोग GST ऐड कर देते हैं, तो IGST है 18%, 6480, इसका टोटल हो जाएगा 42480, ये टोटल हो गई हमारी GST इंक्लूड करके। तो GST का अमाउंट तो GST में डाल देते हैं, इनपुट ये डाल दिया और परचेज का डाल दिया, जो जो अमाउंट फाइनल होते जा रहे हैं मैं उनको हाईलाइट करते जा रहा हूँ और साथ साथ डालते चलेंगे। तो GST हमारे पास इनपुट IGST होएगा, डेट एसेट बनेगा तो डेबिट होएगा, तो टोटल अमाउंट पेबल कितना आ रहा है, 4280, ये आ गया हमारे पास पेबल, इसमें से आधा हमने पेमेंट कर दी है, हाफ पेमेंट हो गई है और हाफ की हमने डेट क्रेडिटर बनाना है, तो इसका हाफ कर लेते हैं पहले 21240, ये हमारे पास क्रेडिटर बन जाएगा, 21240 की पेमेंट हो जाएगी माइनस 3% कैश डिस्काउंट करके। अभी ये जो नीचे लिखा है ना, ये मैं मिटा के सही से प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ इसकी, ये वाला इतना पार्ट मैं मिटा के बनाऊंगा क्योंकि ऐसे एरो डाल के नहीं बनाना, बट ये समझाने के लिए करा है कि इसमें से 3% कैश डिस्काउंट लेस होएगा और इतने से हमारे पास क्रेडिटर बन जाएगा, तो इसको मैं क्रेडिटर भी बना देता हूँ। टू विजय, विजय से सामान लिया था ना, एक बारी मैं चेक कर लेता हूँ नाम क्या था, हाँ विजय से लिया था, तो विजय अकाउंट क्रेडिट करना पड़ेगा इसको, आधे की उधारी बनेगी 21240, बाकी आधे की पेमेंट होगी। तो अब यहाँ पे वर्किंग नोट की भी प्रेजेंटेशन एक बारी देख लो, मैं इसको मिटा के करता हूँ। ये तुम्हारे पास टेबल आ गया, टेबल को इस तरफ लिखते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, हाफ अमाउंट पेड, तो हाफ कितना हो गया इसका था हमारे पास 21240, इसमें से लेस कर दोगे कैश डिस्काउंट 3%, तो जितने की पेमेंट हुई सिर्फ उतने पे ही कैश डिस्काउंट लेस होएगा, पूरे अमाउंट पे नहीं होएगा। 637.2 आ रहा है तो मैंने सिर्फ 637 ही माइनस करा है राउंड ऑफ करके, तो कैश पेमेंट आ जाएगी मेरे पास 20603 की कैश पेमेंट आ जाएगी, और यहाँ पे लिख दूंगा हाफ क्रेडिटर, हाफ अमाउंट का मुझे क्रेडिटर बनाना है 21240। तो अभी ये रिकॉर्ड करूंगा कैश कितने का हुआ, कैश डिस्काउंट कितने का मिला और क्रेडिटर, ये तीनों आइटम्स मुझे रिकॉर्ड करनी है। तो क्रेडिटर तो मैं कर चुका हूँ विजय के नाम से, इसके बाद क्या बनाऊंगा मैं, टू कैश जो पेमेंट होगी और टू कैश डिस्काउंट, क्योंकि कैश डिस्काउंट मेरे लिए इनकम है इसलिए मैं इसको क्रेडिट कर रहा हूँ।
कैश डिस्काउंट में 637 और बाकी की बची हुई पेमेंट 20603। अपना अपना चेक कर लो, जिसका सही नहीं है वो ठीक कर लो, और डाउट पूछना है पूछ लो।